फॉर एफ सी आई असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज़ वन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होगा। हर एक रॉन्ग आंसर पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें से 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि एक मार्क्स का 1/4 हमारा 0.25 होता है, वो मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। और अनआंसर्ड विल नॉट बी रिवॉर्डेड, तो ये तो ऑब्वियस ही है। तो यहाँ आता है हमारे, यहाँ कुछ चार सेक्शन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के टोटल होंगे हमारे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। और हर एक सेक्शन को आपको 15-15 मिनट सेपरेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट जाएंगे इंग्लिश सेक्शन के लिए, 15 मिनट जाएंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 15 और जनरल स्टडीज़ के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। अब आता है सिलेबस की। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस में आएगा हमारा बेसिक ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन, रीडिंग कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर आएगा हमारा रीजनिंग एबिलिटी में आएगा हमारा अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोगिज्म, एनालॉगी, एनालॉजी सॉरी, इन इक्वालिटीज, पजल्स एंड सिटिंग। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बेसिक कैलकुलेशन होंगी, ठीक है। एंड वट डिड आई ऑन, ठीक है। और उसके बाद होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। और जनरल स्टडीज़ में आएगा हमारा करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकनॉमी एंड जनरल साइंस। करंट अफेयर आप पिछले 6 महीने का करंट जो भी अफेयर है, करंट अफेयर्स है, वो आपको पढ़ना होगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये हमारे इसमें टॉपिक है। सो अगर हम बात करें यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न्स की, तो जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, पोस्ट ए कोड है, उसमें पेपर वन एंड पेपर टू होगा। एंड जिसमें हमें जो अच्छा, सो ये हो जाएगा, यहाँ सारे सेक्शन दे रखे हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पेपर वन एंड पेपर टू दे रखा है, तो यहाँ देख लो पहले। सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर वन एंड पेपर टू होगा, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पेपर वन एंड पेपर टू होगा, और स्टेशनोग्राफी के लिए, ग्रेड टू के लिए पेपर थ्री होगा ओनली, पेपर वन होगा। एजी थर्ड जनरल के लिए और एजी थर्ड अकाउंट्स के लिए पेपर वन एंड पेपर टू होगा। एजी थर्ड टेक्निकल के लिए इसमें पेपर वन पेपर टू होगा, डिपोर्ट के लिए पेपर वन होगा और पेपर वन होगा एंड पेपर टू होगा हमारा हिंदी के लिए, ठीक है। और यहाँ हमारा ड्यूरेशन दे रखा है, तो पेपर वन गाइस जो होगा 120 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, और 120 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। एंड द पेपर टू होगा हमारा, इसके में 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे आपको, एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और पेपर थ्री में भी 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, 60 मिनट इसमें दिए जाएंगे, यानी कि हर एक मिनट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पेपर वन एंड पेपर टू का एग्जाम पैटर्न दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया हमारा, सो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया हमारा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल स्टडी जीके का होगा 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स से। और इंग्लिश तो होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये सारे जो बाकी सेक्शन है ये हमारे होंगे बायलिंगुअल, यानी कि दो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेजेस में 15 मिनट्स दिए जाएंगे ऊपर के तीनों सेक्शन में, और लास्ट वाले में दिए जाएंगे 30 मिनट्स। तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स से 90 मिनट विल बी गिवन, एंड जो कि होंगे हमारे 1.5 आवर। फाइन, अब आता है पेपर टू का। तो पेपर टू में हमारा ये है हमारा पोस्ट ए, सो इसमें हमारा आएगा सबसे पहले स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि पोस्ट कोड ए और कोड बी से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के।
फिर पोस्ट ई, पोस्ट ई में होंगे हमारे कॉमर्स, पार्टिकुलरली जनरल अकाउंटिंग फाइनेंस, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से। पोस्ट और पोस्ट कोड एफ, तो यानी कि एफ कोड वालों के लिए एग्रीकल्चर, बोटोनी और जूलॉजी के होंगे ग्रुप ए, 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से। एंड पोस्ट कोड एच, इसमें जी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रिलेटेड टू द हिंदी लिटरेचर एंड वर्ड सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वर्ड सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी, और ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, एनुअल प्रोग्राम इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ऐसे कुछ दिए गए हुए हैं। तो ये पोस्ट कोड पोस्ट के हिसाब से दे रखे हैं, यानी कि पोस्ट ए और बी को कुछ ऐसा होगा। पोस्ट ई के लिए आएगा हमारा सिर्फ कॉमर्सली जनरल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से। एंड एफ के लिए होगा हमारा एग्रीकल्चर और बोटोनी, और लैंग्वेजेस एच वाला होगा हमारा लैंग्वेज वाला, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे, और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने, 120 मार्क्स का होगा, और 60 60 मिनट दिए जाएंगे हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पेपर थर्ड है हमारा, तो पेपर थर्ड आई थिंक किसके लिए था, लेट मी गो बैक, पेपर थर्ड था हमारा, हाँ पेपर थर्ड था हमारा ओनली वन पोस्ट एंड व्हाट वाज दैट, हाँ स्टेनोग्राफी के लिए। सो स्टेनोग्राफी के लिए गाइस ये है, इंग्लिश लैंग्वेज होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और 25 25 मिनट दिए जाएंगे, 25 मिनट इंग्लिश में दिए जाएंगे, 20 मिनट रीजनिंग में दिए जाएंगे, 25 मिनट न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे, और 20 मिनट दिए जाएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस में, और 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस दे रखा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सिलेबस है, और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है, तो आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा, तो यू कैन चेक एट योर ऑन। तो आई होप यू लाइक इट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।